मॉर्निंग बच्चों, देखो हिंदी बुक का पेज नंबर 23। ये तो हम कर चुके हैं, दो वर्णों से बने बिना मात्रा के शब्द। देखो ये वाला हम ह प्लस ल इज इक्वल टू हल, ह प्लस ल इज इक्वल टू फल, द प्लस स इज इक्वल टू दस, र प्लस स इज इक्वल टू रस, ब प्लस स इज इक्वल टू बस, ठ प्लस ग इज इक्वल टू ठग। ये दोनों को मिलाकर क्या होता है, एक शब्द बनता है। ये दो वर्ण मिलकर एक शब्द हो रहा है। तो पेज नंबर 23 में भी दो ठो वर्ण मिलकर एक ठो शब्द हो रहा है। इसको हमें क्या करना है, उसको हमें लिखना है। देखो ध प्लस न इज इक्वल टू ध न धन, ध प्लस न इज इक्वल टू धन। फिर म प्लस ग इज इक्वल टू म, म प्लस ग इज इक्वल टू क्या होगा, म और ग को एक साथ लिखने से कौन सा शब्द निकलेगा, म ग मग, म ग मग। फिर ज प्लस ग इज इक्वल टू ज, ज प्लस ग इज इक्वल टू ज ग जग, ब प्लस न इज इक्वल टू बन, ब प्लस न इज इक्वल टू बन, थ प्लस न इज इक्वल टू थन, थ प्लस न इज इक्वल टू थन, न प्लस न इज इक्वल टू नल, न प्लस ल इज इक्वल टू नल। हो गया। आपको ये क्या करना है, आपके हिंदी कॉपी में इसको पहले, ये जो पेज नंबर 23 है पहले उसको पढ़ना बच्चों अच्छी तरह से, फिर आपको क्या करना है हिंदी कॉपी में इसको लिखना है। ओके।